तो दोस्तों मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस वजह से देखो मैंने पहले से ही इसको मैंने प्रॉपर ऐसा कनेक्शन करके रखा था। ये देखो यहाँ पर मैंने पानी का कनेक्शन कर दिया। ये देखो ये बाद में यहाँ पर पावर बोर्ड का कनेक्शन किया है। हर तरह का मैंने प्रॉपर ऐसा कनेक्शन करके रखा है ताकि आपको देरी ना हो वीडियो दिखाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, देखो आज मैं लेकर आया हूँ बॉश कार वॉशर, क्योंकि देखो बहुत लोगों के पास ऐसे बॉश का कार वॉशर है पर उसमें से प्रॉपर फोमिंग नहीं हो पाता है। इसके साथ जो सोप डिस्पेंसर देता है उसमें से प्रॉपर फोमिंग होता नहीं है। इस वजह से मैंने स्पेशल फोम कैनन लेकर आया हूँ। तो आप चाहे तो इसके जगह कई सारा और भी अलग अलग कंपनी का फोम कैनन आता है। अब देखो जिसके फोम कैनन में इस तरह का क्विक कनेक्टर है, देखो ऐसा वाला, तो ऐसा इस तरह का फोम कैनन इसमें लगा सकते हो। उसके लिए आपको अलग से एक रॉड चाहिए रहता है ऐसा वाला, तो और ऐसा वाला कोई भी एक फोम कैनन लोगे तो उससे आप ऐसा फोम वॉश कर सकते हो। लेकिन जो वॉश के साथ जो आता है सोप डिस्पेंसर, उससे आप ऐसा फोम वॉश नहीं कर सकते हो। ये देखो ये है सोप डिस्पेंसर जो प्लास्टिक मटेरियल का है, जिससे प्रॉपर ऐसे फोमिंग होता नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं इससे भी थोड़ा सा फोम करके दिखा दूंगा, देखना कि डिफरेंस क्या है इसमें, आपको दिखा दूंगा या इसमें से करके दिखाऊंगा। इसमें से आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको ऐसा वाला स्पेशली ऐसा क्यों लेना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं, देखो ये जो ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये वाला है काजर का, है ना, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। मैं तो बोलूँगा एक्चुअली मुझे ना ये वाला पसंद है, ये जो काजर का फोम कैनन है ये मुझे पसंद है, तो इस वजह से मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। आपको चाहिए तो किसी भी कंपनी का आप ऐसा ले सकते हो बॉश के मशीन के साथ। तो दोस्तों कार को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोम स्प्रे करने से पहले पानी मारेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम निकाल देंगे ऐसा फोम कैनन को, और मशीन को मैंने अभी तक चालू नहीं किया है, तो सबसे पहले ऐसे पानी क्लियर निकल जाने दो। उसके बाद जो प्रेशर वाला जो नोजल है हम आगे वो लगाएंगे। तो ये देखो ये जो गन के आगे जो नोजल लगने वाला है, ये हमको नोजल लगाना नहीं है। सबसे पहले हम ऐसा ट्रिगर को प्रेस करेंगे, बाद मशीन को चालू कर देंगे, और जब प्रॉपर पानी निकलने लग जाए उसके बाद हम इसको नोजल को लगा देंगे। ये अभी आएगा पानी, ये देखो ये देखो, जब ऐसा प्रॉपर पानी आने लग जाए उसके बाद ही आपको ये नोजल लगाना है, ताकि कचरा प्रॉपर ऐसे निकल जाने दो। नहीं तो नोजल देखो बारीक बारीक छेद है ना, इसमें कचरा फंस जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा मशीन चलाने के लिए। इसको फिट कर लेना है। यस, ये फिटिंग हो गया, तो चला के देखते किस पोजिशन में है। ये देखो, और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो आगे तीन पॉइंट है ना, आप इसे घुमाओगे तो आपको अलग अलग पॉइंट से अलग अलग तरह का स्प्रे निकलेगा। देखो यहाँ पर मार्किंग दिया हुआ है, ये जो रेड कलर का जो डॉट है, और देखो ये जो मार्किंग है ना, जैसे कि ये सिंबल बना है, देखो स्प्रेड का सिंबल बना है, और मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो ये ऐसा मतलब अलग अलग पैटर्न जो राउंडिंग पैटर्न का ऐसा डिज़ाइन बना है, तो राउंडिंग पैटर्न हो जाएगा। और फिर और घुमाएंगे तो ऐसा, ये तो ये स्ट्रेट पैटर्न बना है, तो मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ एक एक करके। अभी पहला ऐसा स्ट्रेट पैटर्न, ठीक है, देखना कैसा स्ट्रेट निकलेगा इसमें से, देखना ऐसा। ये देखो ये स्ट्रेट आपको दिख रहा है ऐसा, ये देखो ये ऐसा स्ट्रेट निकल रहा है। ओके, जैसे मैं इसको और घुमाया तो बाद में ये, यस अब कहाँ, हाँ ये अब देखना इसमें से ऐसा स्प्रेड निकलेगा। देखो ये देखो पहला स्ट्रेट था, अभी ये स्प्रेड है, और बाद में ऐसा राउंडिंग निकलेगा। ये देखो, जैसे अगर फ्लोर वगैरह क्लीन करना होता है तो ऐसा राउंड राउंड मारेगा तो वो ज़्यादा आसान होता है वो इसको क्लीन करने के लिए। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो ये देखो वाह। एक्चुअली ये जो ऐसे राउंड राउंड जो आता है ना, वो स्ट्रॉम जो भी स्प्रे है वो, ये नॉर्मली बॉश के साथ इस तरह का तीन वाला सिस्टम आता है, पर बाकी जो मशीन आता है उसके साथ एक ही नोजल आता है, उसको आप घुमा के अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। मेरे को तो वो वाला ज़्यादा पसंद है, पर बॉश में दिया है ऐसा वाला, अब क्या कर सकते हैं। और इसमें गन लंबा है तो ऐसा कार के मडगार्ड में अंदर मारने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पर क्या करेंगे, उसमें 90 डिग्री फिर आपको अलग से एंगल लेना पड़ सकता है अगर आपको हर तरह का प्रॉपर ऐसे स्प्रे करना है, तो बॉश में ऐसा सिस्टम होता है। तो कार को स्प्रे करने के लिए हम फिट करेंगे स्प्रेड वाले को, ये है सिंबल स्प्रेड वाला, अपना ऐसे घुमाएंगे, और ये स्टेट है, और ये अरे कहाँ चला गया पीछे, ये देखो ये स्प्रेड वाला है, तो अपने को स्प्रेड करके ऐसा फुल कार को अच्छे से पानी मार लेंगे। अरे ठीक से नहीं हुआ स्टेट, यस अब देखेंगे, ये परफेक्ट। एक्चुअली ये जो मॉडल है इसमें अच्छा प्रेशर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मज़ा आ रहा है मुझे, अच्छा प्रेशर है, बस में थोड़ा सा ना नॉइज़ ज़्यादा है मशीन में, बाकी ऐसा प्रेशर की कमी नहीं है, प्रेशर बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है मशीन का।
तो दोस्तों फुल कार को पानी मार के हो गया, अब हम अभी क्या करेंगे, कार को फोम स्प्रे करेंगे। तो अभी इसको देखो, इसके साथ तो ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते फोम कैनन को, तो इसके लिए मैं अलग से स्पेशली जो रॉड मिलता है वो मैंने मंगाया है अमेजोन से, तो उसको हम अभी यहाँ पर फिट करेंगे। यहाँ पर ये देखो, ये है वो रॉड, तो इसको हम ऐसा फिट कर देंगे, ऐसा प्रेस करके अंदर घुमा दिया, वो फिट हो गया। अब यहाँ पर हम फोम कैनन लगा सकते हैं। देखो ये देखो, ये है फोम कैनन, इसको हम ऐसा पीछे तरफ खींचेंगे और ये लगा देंगे। ये अब इसमें 100 ml शैम्पू डालेंगे, बाद में फोम स्प्रे करेंगे। दोस्तों ये देखो, ये मैं वैक्सपॉल का शैम्पू आज यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही सस्ता शैम्पू है, ये 600-700 रुपए में मिलता है, ये पूरा 5 लीटर सबसे सस्ता शैम्पू है ये, तो आज मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। आपको जो ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हो। तो इसमें अभी 100 ml डालने वाला हूँ, अगर आप 200 ml भी डाल दो तो भी क्या फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि काफ़ी सस्ता शैम्पू है इसीलिए। चलो ओके, ये 100 ml हो गया, वो इतना बस। तो बाकी का हम इसमें पानी भर देंगे। तो पानी कैसे भरेंगे, मशीन में लगा हुआ कनेक्शन, और सीधा हम इसको खोल के यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। देखो चलो, इतना पानी बस। तो दोस्तों ये देखो, अभी शैम्पू रेडी है, अब हम इसको फोम स्प्रे करके देखेंगे। सबसे पहले नीचे मार के देखते हैं, ओ हो सही आ रहा है। अब मैं कार पे मारता हूँ, ओके ओ ये देखो जबरदस्त, वाओ वाओ भाई वाओ, मज़ा आ गया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फोम कैनन जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपका फोमिंग उतना ज़्यादा बेटर होगा। बिल्कुल देखो, ये देखो एकदम रफ रफ एकदम फोम कैनन देखो ऐसा ही चिपका हुआ है। देखो जबरदस्त एकदम गाढ़ा गाढ़ा फोम, एकदम सबसे बेस्ट मतलब परफॉर्म करता है ये फोम कैनन। वैसे आपके लिए पर्सनल यूज़ के लिए जरूरी नहीं कि इतना गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू होना, ऐसा जरूरी नहीं है। स्लाइटली अगर पतला भी होगा, अगर देखो आप नॉर्मली ये जो है ना थोड़ा सा महंगा है, अगर थोड़ा कम रेट में लोगे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस होगा। और 3 तरह का क्वालिटी का आता है ना, वाओ यार मज़ा आ गया फोमिंग का परफॉर्मेंस देख करके। देखो ज़रा जबरदस्त, देखो ज़रा यार, इससे तो खेलने का मन कर रहा है, इतना गाढ़ा गाढ़ा फोम ही आ रहा है। देखो ये देखो, ये देखो ज़रा, वाओ देखो पूरा भर गया फोम। वाओ वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। देखो ज़रा कितना गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू, ये देखो वाह, हाँ 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 ये देखो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जबरदस्त फोमिंग हुआ एकदम, ये देखो। तो दोस्तों ये देखो, मैंने कनेक्ट कर लिया है और थोड़ा सा मैंने शैम्पू डाल के पानी इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। देखो जैसे कि 1 लीटर के पानी में मैं 100 ml डालता हूँ, पर सच को तो ये थोड़ा सा पानी है इसमें, नॉर्मली कितना इसमें, ये 300 ml पानी है, पर फिर मैंने इसमें 100 ml के आसपास शैम्पू डाल दिया, और फिर भी देखेंगे कैसे इसमें से फोमिंग निकलता है, क्योंकि मुझे पता है देखो ये जो प्लास्टिक मटेरियल है ना, इसमें से फोमिंग तो उतना खास आना नहीं है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, देखते पता चला कि अच्छा फोम आ गया, फिर मेरा तो पपट हो जाएगा। अभी देखते कैसा आ रहा है इसमें से, ये देखो ये क्या है यार, मुझे पता था यही होने वाला। ये देखो पूरा पानी बन गया, ये देखो ये देखो क्या है, ये पूरा ऐसा लग रहा है हवा हवा जा रहा है, और बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल देखो ये मारते साथ ही पूरा एकदम 1 सेकंड के अंदर नीचे आ गया, बिल्कुल ख़त्म हुआ कहानी इसका, बिल्कुल पतला है देखो एकदम। तो दोस्तों आपने देख लिया कि भाई क्या हो गया, मतलब इसका तो भाई मजाक ही बन गया बिल्कुल। ये बॉश कंपनी वाला साथ में देता है, अब मुझे समझ में नहीं आता ये भाई कंपनी इतना फेमस है बॉश कंपनी है ना, और साथ में ये टाइम पास करने के लिए क्या देते हैं, किस काम का आता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई कम से कम भाई मिनिमम अच्छा सा थोड़ा बहुत मीडियम तरह का फोम निकले इतना तो दो कम से कम, पर बिल्कुल एकदम बेकार चीज़ दिया लोगों ने, ये तो भाई सीधा फेंकने वाला काम है वो, जैसे मैं हर वीडियो में दिखाता हूँ कि भाई लेने का और सीधा फेंक देने का ऐसे ही काम है ये भी। तो अगर आपको अगर प्रॉपर फोमिंग चाहिए तो भाई आपको इस तरह का कोई फोम कैनन लेना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि इतना महंगा मत लो, आपके बजट के हिसाब से सस्ता वाला लो, थोड़ा कम परफॉर्मेंस वाला फोमिंग मिलेंगे, पर फिर भी तो काम तो करेगा ना, पर ये तो भाई फोमिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा ला रहा है इससे सोप डिस्पेंसर से। तो दोस्तों फुल कार को अभी शैम्पू मार के हो गया, अब मैं अच्छे से उसको कपड़ा मार लेता हूँ, अगर कपड़ा नहीं मारेंगे तो पुराना दाग वगैरह रह जाएंगे, इसलिए कपड़ा मारना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम कपड़ा मारेंगे सबसे पहले हमको कार के ऐसा ऊपर साइड से आपको शुरू करना चाहिए कपड़ा मारने के लिए ऐसा, और आपको ऐसा लंबा लंबा हाथ मारना तो आपको फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएंगे शैम्पू आपका कार में सूखने से पहले। ये
तो दोस्तों फुल कार को कपड़ा मार के हो गया, अब फुल कार को अच्छे से पानी मार के देंगे, बाद में देखना कार कैसा चमक गया है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो रॉड है इसको निकल देंगे, जो फोम कनेक्ट कनेक्ट होता है वाला निकल देंगे, और बाद में ये वाला जो मशीन के साथ जो आता है वो हम इसको लगा देंगे। इसको पहले निकलता हूँ मैं, तो बाद में इसको हम ऐसा लगा देंगे, ये लग गया, और बाद में इसको चला के देखेंगे। ये चलो फुल कार को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो दोस्तों कार देखो फाइनली क्लीन हो गया एकदम चकाचक, ये देखो चमक रहा है एकदम। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।